अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें स्विचेस के दरमियान रिडंडेंसी हमने बनाई थी कि एक्स्ट्रा लिंक लगाया था ताकि रिडंडेंट नेटवर्क बने। रिडंडेंसी का मतलब कि अगर मल्टीपल स्विचेस हैं आपके एनवायरनमेंट में तो बजाय इसके कि आप सिर्फ एक केबल यूज़ करें उनको कनेक्ट करने के लिए आप मल्टीपल केबल्स यूज़ करें। लेकिन जब मल्टीपल केबल आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, नेटवर्क में क्या इम्पैक्ट आता है, फौरन ये जो जिसको आप फौरी इम्पैक्ट कहते हैं वो नेटवर्क में क्या आएगा, आज हमने इसको मज़ीद आगे लेके चलना है। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि भाई ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं, कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है तो स्विच उसको कैसे समझता है और फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज के साथ स्विच क्या करता है। आज हमने जो पढ़ना है वो स्विचिंग लूप या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी इसको कहते हैं कि और ये बेसिकली आता है उसी वक्त है कि जब आप नेटवर्क में एक्स्ट्रा लिंक लगाते हैं या रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं। एक तरफ तो रिडंडेंसी एक अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक तरह से इसको नेटवर्क को बेहतर बना रहे हैं। नेटवर्क में अगर एक लिंक डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डेटा दूसरे लिंक से जाने लगता है, तो ये तो एक बेसिकली अच्छी चीज़ है नेटवर्क में और होनी भी चाहिए और होती भी है, ठीक है। लेकिन रिडंडेंट लिंक लगाने से नेटवर्क पे क्या असर हुआ उसका और किस तरह से लूप क्रिएट हुई या किस तरह से ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आया, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है ये। देखिए ये जो स्विच है इसमें पोर्ट नंबर 1, 2 और 3, इसके साथ तीन कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। और पोर्ट नंबर 4 और 5 हमने दोनों पोर्ट्स यूज़ की दूसरे स्विच को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह इस स्विच की पोर्ट नंबर 1 और 2 पे दो कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। तो हमने ये देखा था कि इस स्विच की ये जो पोर्ट्स हैं यानी इस स्विच का जो मैक टेबल है वो ये हमने बना लिया था और शो मैक एड्रेस टेबल करके भी आप देख सकते हैं कि इसकी इस स्विच की हर इंडिविजुअल पोर्ट पे तो कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस होंगे, जबकि ये जो पोर्ट है जिसको जो कनेक्टेड पोर्ट है दूसरे स्विच तक की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको आमतौर पर ट्रंक लिंक भी कहा जाता है। इसको ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जाहिर है कि आप इस पूरे पोर्शन का ट्रैफिक इस तार से गुजरेगा, इस पूरे पोर्शन का ट्रैफिक इस केबल से गुजरेगा, तो आमतौर पे ये अच्छी केबल होनी चाहिए, इसीलिए इसको आमतौर पे फाइबर रखा जाता है। ये वाली केबल्स जो हैं ये तो फिर भी कॉपर की 100 MB और 200 MB Cat5 Cat6 केबल्स होती हैं, लेकिन आमतौर पे ये जो कनेक्टिविटी होती है बैकबोन जिसको कहा जाता है स्विच टू स्विच, ये फाइबर पे रखी जाती है 1 GB, 10 GB और उससे भी ऊपर। अच्छा, तो अब जैसे ही आपने एक रिडंडेंट लिंक लगाया तो अब जरा स्टोरी सुने के होता क्या है। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने, ये इनमें से कोई भी कंप्यूटर, तो मैं ये कंप्यूटर एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज करना था, तो इसने एक ब्रॉडकास्ट की। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि सोर्स में अपना एड्रेस डालेगा ये कंप्यूटर और डेस्टिनेशन में ये वाला एड्रेस, क्योंकि सबसे हाईएस्ट एड्रेस है ब्रॉडकास्ट एड्रेस से। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जब इस कंप्यूटर से निकल के इस स्विच तक पहुँचेगा तो स्विच इस मैसेज को रीड करेगा और देखेगा, सोर्स को नोट करेगा जो कि है पहले से, और डेस्टिनेशन को जब देखेगा तो कहेगा अच्छा भाई ये तो ब्रॉडकास्ट है, इसका मतलब है कि मैंने अब इसको हर पोर्ट पे फेंकना है। तो जिस पोर्ट पे आया था उसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं इधर भी मैसेज जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर वाले लिंक पे भी जाएगा और इस नीचे वाले लिंक पे भी आएगा। अब ये दोनों लिंक्स पे मैसेज जा रहे हैं क्योंकि दो पोर्ट्स हैं और हर रिमेनिंग पोर्ट पे बाहर उसने ब्रॉडकास्ट मैसेज को तो भेजना होता है। अच्छा, जो अब हम ये देख लेते हैं कि ऊपर, लेट सपोज कि ये ट्रैफिक, ये जो मैसेज आया था ब्रॉडकास्ट का, ये ऊपर वाले ट्रैफिक यानी ऊपर वाले लिंक से होता हुआ इस स्विच के पास पहुंचा। जब इस स्विच के पास, मैं नीचे वाले को बाद में डिस्कस कर लूँगा, पहले सिर्फ मैं फर्स्ट लिंक को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स के पास ये पहुँचा, उन्होंने जो भी इसको इग्नोर किया, उनके लिए नहीं था वो मैसेज तो इग्नोर कर दिया।
जब ये इस स्विच के पास पहुंचेगा तो ये स्विच भी फिर इस मैसेज को रीड करेगा, डेटा को, इस फ्रेम को, सोर्स को अपने पास नोट कर लेगा जो पहले से नोटेड है अभी F03 पर, डेस्टिनेशन को देखेगा, कहेगा ओहो अच्छा ये तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि मैंने इसको हर रिमेनिंग पोर्ट पे फेंकना है, जिस पोर्ट पे आया है उसके अलावा, तो वो इस कंप्यूटर को भी देगा, इस कंप्यूटर को भी देगा, लेकिन साथ में वो इस वाली पोर्ट को भी देगा रिवर्स में, क्योंकि 3 से निकल के अब ये ट्रैफिक 4 पे भी आएगा। जब ये 4 पे आएगा तो ये वापस टहलता हुआ इधर आ जाएगा, इस स्विच के पास पहुंच जाएगा, जहां से आया था वहीं पहुंच जाएगा ये। जब इस स्विच के पास आएगा, ये स्विच इस मैसेज को रीड करेगा और फिर देखेगा कि डेस्टिनेशन तो सारे एफ हैं, और जब एफ हैं तो इसका मतलब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, तो चलो भाई इसको हर पोर्ट पे फेंक दो। तो ये दोबारा इस कंप्यूटर को भी दे, इस दफ़ा ये इस कंप्यूटर को भी दे देगा, इधर भी दे देगा, इधर भी दे देगा, मैनी जो भी रिमेनिंग पोर्ट्स हैं, जहाँ से आया है उसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं उनको भी मिल जाएगा वो ट्रैफिक, और फिर साथ में ये पोर्ट नंबर 1 को भी देगा, क्योंकि आया 5 पे है, अब 1 को देगा। जब 1 पे आएगा तो फिर ये दोबारा टहलता हुआ इस स्विच के पास आ जाएगा, फिर स्विच से इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो ये कॉपीज बनती रहेंगी और ये मैसेज इन दोनों स्विचेस के दरमियान ही घूमता रहेगा, और इतना ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों स्विच अपनी कैपेबिलिटी से इनका ट्रैफिक, इनका लोड ऊपर निकल जाएगा और ये दोनों स्विचेस हैंग हो जाएंगे। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट का स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तूफान आ गया ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि ये रुकने वाला ही नहीं है, ये तो लूप में घूमता रहेगा, क्योंकि हमने लूप के लिए इसको रास्ता दे दिया। पहले तो ये अकेला लिंक था, तो यहाँ से इधर उधर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तो इसको वापसी का रास्ता मिल गया, और जब वापसी का रास्ता मिल गया तो अब तो घूमता रहेगा इधर ही, और घूमने का मतलब ये होता है कि जब स्विच के पास जब वो फ्लडिंग करता है तो वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है, एक कॉपी इधर, एक कॉपी इधर, तो एवरी टाइम वो उस मैसेज की कॉपी बनाएगा, ट्रैफिक जनरेट होगा, बस वो इधर ट्रैफिक कॉपी बनी, फिर एक और, इनफाइनाइट कॉपीज बनेंगी, इतना ट्रैफिक जनरेट होगा कि ये दोनों स्विचेस हैंग हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं स्विचिंग लूप, यानी लूप क्रिएट हो गई, और इसको ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो बाहर तो ये लग रहा है कि जैसे ही आपने एक्स्ट्रा लिंक लगाया, ये तो आपके ऊपर मुसीबत पड़ गई, नेटवर्क तो डाउन हो जाएगा, 2-3 मिनट लगते हैं नेटवर्क डाउन हो जाता है। और लेकिन जाहिर है कि फिर इससे बचने के लिए, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लिंक तो लगाने हैं ना, क्योंकि आपने अपने आप को भी बचाना है, आप चाहते हैं कि यार एक्स्ट्रा लिंक लगे रहें, तो इसको इस सिचुएशन से, इस ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म से बचने के लिए जो सोल्यूशन है इसका, वो बेसिकली कहलाता है स्पैनिंग ट्री। एक प्रोटोकॉल है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो यहाँ तक ही रखते हैं हम इसको, इंशाल्लाह फिर इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।